अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आगे हम आप लोग एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग अपनी फ़ोन की लोकेशन को किस तरह चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप लोग दोस्तों फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे अपनी किसी को भी फेक लोकेशन शो कराना चाहते हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग गेमिंग करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग फेक लोकेशन शो कराएं तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जिस वेबसाइट को हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है मोकपोगो। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये एक लोकेशन चेंजर है जिसकी वजह से आप लोग अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पर फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग एक क्लिक की मदद से ही अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नीचे स्टार्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को डिवाइस चूज़ करनी है। मैं यहाँ पे iOS को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग एंड्रॉयड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है वाईफाई की मदद से, या फिर आप लोग इसको डाटा केबल की मदद से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने आईफोन को डाटा केबल की मदद से कनेक्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। यहां पे कुछ ही सेकंड्स के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो गया है। यहां पे आप लोगों को आपकी करंट लोकेशन शो हो जाएगी, ऊपर आप लोगों को सर्च बार शो हो जाएगी, आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे एरिया पूछेगा कि आप लोगों को न्यूयॉर्क का कौन सा एरिया सिलेक्ट करना है। मैं यहां से एक एरिया सेलेक्ट करके क्लिक कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि एक क्लिक की मदद से ही इसने हमारी लोकेशन को चेंज कर दिया है। अब ये आप लोगों को यहां पे मेरे मोबाइल पर भी शो हो रही है। आप लोग किसी भी कंट्री की लोकेशन को यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अब मैं यहां पे लंदन को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एरिया सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद पे क्लिक कर दें तो आप फिर से देख सकते हैं कि इसने हमारी लोकेशन को कुछ ही सेकेंड में चेंज कर दिया है। उसके अलावा आप लोगों को राइट पे ऊपर कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जिसमें सिंगल स्पॉट मूवमेंट, डबल स्पॉट मूवमेंट्स, मल्टी स्पॉट मूवमेंट्स। यहाँ पे आप लोगों को टू स्पॉट मूवमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसकी मदद से आप लोग अपनी लोकेशन को टू टाइम्स मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एरिया को सिलेक्ट करके गो के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। नीचे आप लोगों को स्पीड सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप लोगों को लूप टाइम शो हो रहा है, आप लोगों को यहाँ पर मैं टू टाइम्स कर देता हूँ। उसके बाद गो के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि इसने टू टाइम यहाँ पे ट्रैवल किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे है मल्टी स्पॉट मूवमेंट। इसी में से आप लोग मल्टी स्पॉट्स पे ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लूप टाइम सेलेक्ट करना है और गो के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे यहाँ पे मूव कर रहा है मेरे मोबाइल में भी इसकी लोकेशन शो हो रही है। आप देख सकते हैं कि इसने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से ओके कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जंप टेलीपोर्ट मोड का। यहाँ पे आप लोग इसको सिलेक्ट कर लें। मैं अपनी लोकेशन सिलेक्ट करता हूँ, गो के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोग डिफरेंट मोड सिलेक्ट करके अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। साथ ही GPS का ऑप्शन मौजूद है, उसके साथ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का ऑप्शन मौजूद है, आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग कूल डाउन टाइमर को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। नीचे आप लोगों को फेवरेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप लोग लोकेशन रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल डिवाइसेज का ऑप्शन शो हो रहा है, आप लोग बहुत सी डिवाइसेज यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं।
आप लोगों को अपनी करंट लोकेशन शो हो जाएगी, इसको जूम इन जूम आउट भी आप लोग कर सकते हैं। लेफ्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें जॉयस्टिक दी हुई है जिसकी मदद से आप लोग अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, राइट लेफ्ट आगे पीछे जहाँ पे भी आप चाहें आप लोग इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को स्पीड सेलेक्ट करके इसको मूव करना स्टार्ट कर देगा ये। तो उसी तरह से आप लोग अपनी फेक लोकेशन को सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इस तरह की वीडियोज़ को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। तो मिलते हैं कौन न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।